संजय दत्त की बायोपिक संजू आने वाली है। रणबीर कपूर संजय दत्त बने हैं, लेकिन संजय दत्त इनकी बायोपिक नाम संजू क्यों पड़ा? जब इतनी सारी बातें फिल्म को लेकर हम कर रहे हैं तो जरा ये भी जान लेते हैं कि संजय की फिल्म का नाम संजू ही क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बात चल रही है संजय दत्त की बायोपिक संजू के बारे में। हाल ही में यानी कि कुछ टाइम पहले ही फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म संजू का पोस्टर जारी किया था। इस पोस्टर में नरगिस दत्त की भूमिका में मनीषा कोइराला नजर आ रही थी। इस पोस्टर को लोगों ने खूब पसंद किया। मनीषा कोइराला हूबहू नरगिस जैसी लग रही हैं इस लुक में। लेकिन इसी दौरान राजकुमार हिरानी ने यह भी बताया कि फिल्म का नाम संजू ही क्यों पड़ा। दरअसल उन्होंने बताया कि संजय दत्त की मां और प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त संजय से बहुत प्यार करती थी और उन्हें प्यार से संजू ही पुकारती थी। वो संजय दत्त को हमेशा संजू ही कहती थी। इस वजह से फिल्म का नाम संजू रखा गया, यानी कि इस फिल्म के नाम के पीछे संजय दत्त की मां यानी कि नरगिस दत्त का प्यार से बुलाया जाने वाला नाम संजू है। बहरहाल ये पोस्टर भी काफी खास है। संजय अपनी मां के बहुत करीब थे, उनकी मां संजय को बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार करते थे संजय नरगिस दत्त से कि उनके निधन के बाद उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर उन्होंने अपनी नशे की लत को, ड्रग्स की लत को छोड़ दिया था और फूट फूट कर कई दिनों तक रोते रहे थे मां के निधन के बाद। बहरहाल मनीषा कोइराला वाला पोस्टर जो है ये विंटेज ब्लैक और व्हाइट युग को दर्शाते हुए दिख भी रहा है। मनीषा उसमें उसी लुक में नजर आ रही हैं जिसमें नरगिस की एक पहले की तस्वीर भी है, सेम टू सेम वैसे ही लग रही हैं। यानी कि इस पोस्टर में नरगिस की झलक साफ दिखाई देती है मनीषा कोइराला के रूप में। तो बहरहाल ये रीजन था कि फिल्म का नाम संजू ही पड़ा। इस वीडियो में इतना ही।